हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने होम में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और 3 बजे ही आजकल मैं उठ रही हूँ क्योंकि चल रही है नवरात्रा। तो भाई, नवरात्रा चल रही है तो माँ का दिन है, तो सुबह तो जल्दी उठना ही चाहिए क्योंकि फिर बार बार ये समय मिलता नहीं है नवरात्र में, जो कि माँ का सेवा करने का मौका मिलता है साल में एक बार ही। तो इस मौके को छोड़ना किसी को नहीं चाहिए। तो चलिए, मैं सुबह 3 बजे डेली उठकर मैं सेवा करना चाहती हूँ अपने माँ को। तो सबसे पहले मैं उठकर क्या क्या अपने घर में करती हूँ, सारे कामों को कैसे निपटा लेती हूँ और 6 बजे तक पूजा भी मैं समाप्त कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उठकर नवरात्र में सबसे पहले एक बाल्टी पानी तो बाहर ज़रूर देना चाहिए। बाहर द्वारे के पास एक बाल्टी पानी या फिर झाड़ू देने के बाद एक जग या फिर एक लोटा के छींटे ज़रूर दे दे पानी की। सभी घर मेरा पोछा मैं पहले लगा लेती हूँ, फिर बाहर भी अच्छे से धो लेती हूँ द्वार को। तो 3 जगह द्वार है मेरे, एक तो यहाँ पर कुर्सी के पास हो गया, एक ये हो गया, एक मेन हो गया। तो सबसे पहले मेन के पास जाती हूँ, वहाँ पर झाड़ू लगाकर एक बाल्टी पानी से अच्छे से धो लेते हैं। इसके बाद अंदर घर में पोछा लगा लेते हैं, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाते हैं और इसके बाद यहाँ पर भी धो लेते हैं क्योंकि नवरात्रा में कहा जाता है ना कि माँ तो 2 बजे से, यहाँ ना आपको लगता होगा कि 3 बजे से कैसे उठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पटना में ना मैंने देखा है हर कोई 3 बजे से उठता है। 3 बजे से क्या, मुझसे भी पहले 2 बजे से ही घंटी बजने लगती है मंदिर की। बताइए, 2 बजे से ही मेरे कान में, तो एक कल क्या हुआ ना कि जब घंटी बजी तो मैं सोच रही थी कि लेट हो गई क्या मुझे उठने में, तो देखा तो 2 बज रहे हैं और 2 बजे से ही भक्तों की लाइन लग जाती है धोने में देवी स्थान। बताइए, मुझसे भी पहले सभी लोग उठते हैं, कितने लोग जो कि माँ के ज़्यादा सेवा करने की दिल में इच्छा रहती है। तो अभी देख सकते हैं कि सारे कामों को मैंने घर में जितना है से झाड़ू पोछा मेरा लग गया है बाहर अंदर। अब मैं स्नान कर ली हूँ, अभी भींगी हुई हूँ और इसके बाद मैं उस रूम में गई हूँ जहाँ माता को बैठाई थी और वहाँ से मैं थाली वगैरह ले आई हूँ सभी। और इसके बाद यहाँ सभी थाली को मिट्टी से मैं मांज रही हूँ, पीतल के बर्तनों को, और फिर इस बाल्टी में मैं ले लूँगी और नया कपड़ा जो होता है उसी स्पेशली मैं पूजा रूम के लिए रखी हुई पोछा लगाने के लिए। तो सभी घर में तो मेरा झाड़ू पोछा हो गया था पर पूजा रूम में अभी पोछा नहीं लगाई थी क्योंकि जब तक कि स्नान ना कर लूँ तब तक पूजा रूम में मैं हेलूँगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर माता जी को बैठाई हूँ तो बहुत ही स्वच्छता के साथ रखना होता है और घर को अच्छे से, और वहाँ ऐसे ही मैं नहीं चली जाती हूँ बिना स्नान किए। तो अभी मैं स्नान करने के बाद अभी भींगी हुई हूँ पूरा और इसके बाद पहले हम पोछा लगा लेंगे इस रूम का अच्छे से। और पोछा लगाने के बाद फिर से स्नान करेंगे तब जाएंगे देवी स्थान। तो अभी अंदर का साफ़ सफाई कर लेते हैं, पोछा कर लेते हैं। तो यही मेरा डेली का काम है नवरात्र में। तो 3 बजे उठने के बाद 1 घंटा तो मुझे यही सारे चीज़ करने में लग जाते हैं। 4 बजे मैं जाती हूँ देवी स्थान। तो पहले घर को साफ़ सुथरा ज़रूरी रखना है। तो स्नान फिर से हो गया है और यहाँ पर कपड़े बदल ली हूँ, अब ले ली हूँ बाल्टी में पानी और फूल, उसमें चली गई हूँ देवी स्थान। तो देवी स्थान से आकर यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, तो यहाँ पाठ वगैरह कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, अभी पूजा पाठ मेरी हो गई है, आरती हो गई है। अब आरती को मैं सभी घर में फैला देती हूँ और फिर सभी बच्चे को और हस्बैंड जी को भी आरती दे देते हैं, थोड़ा सा लगा देते हैं चंदन कुमकुम। तो यहाँ पर सभी को लगा देते हैं, सभी को 5 बजे से ही उठा देती हूँ। और इन नवरात्रा के दिनों में माँ घर में वास करती हैं 9 दिन, जहाँ हम लोग स्थापना करते हैं। तो मानने ऊपर तो सभी मानते हैं, कितने लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी कि विश्वास पर ही भगवान होते हैं। तो अगर विश्वास है आपको कि आपके घर में 9 दिन भगवान हैं, तो भाई हैं, और उनकी सेवा मन से करनी चाहिए।
पूरा मन लगा देनी चाहिए, एक भी ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। मतलब गलती यानी कि हम लोग काम में या फिर क्या कहते हैं पूजा में, ये चीज़ नहीं। गलती यानी कि हम गलती ना करें, देर से उठना हो गया, झाड़ू ना देना हुआ, जैसे तैसे घर में रहना, गंदगी के साथ रहना, ऐसे नहीं रहना चाहिए। पूजा तो हम जैसे मन करें वैसे करना चाहिए, लेकिन साफ सुथरी से ज़रूर रहें, मन में श्रद्धा भक्ति के साथ करें। सुबह जल्दी उठना चाहिए हमें, क्योंकि सुबह में ही माँ हमेशा आती है सबके घर में, और हम सोए रहेंगे तो फिर माँ का चली जाएंगी, फिर लक्ष्मी नहीं रहती हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी होती है हम लोगों के लिए। तो मैं तो कहूँगी कि इस नवरात्रि आप लोग भी जल्दी उठकर, जो किए हैं वो भी, जो ना किए हैं वो भी ज़रूर जल्दी उठकर पूजा पाठ कर लेनी चाहिए, क्योंकि माँ सबकी माँ होती हैं और सभी के घर में प्रवेश करती हैं। जिनके घर में साफ़ सुथरा और श्रद्धा भक्ति प्रेम रहता है, उसके घर में ज़रूर प्रवेश करती हैं, भगवान माँ आती हैं। तो चलिए अभी जा रहे हैं चाय बनाने, आरती करने के बाद, कपड़ा धोकर पसारने के बाद, अभी बच्चा स्कूल तैयारी हो रहा है स्कूल का, तो अभी मैं चाय यहाँ बना दे रही हूँ। तो फल वगैरह थे सुबह में, प्रसादी सभी को दे दी हूँ, तो सभी खा लिए हैं और अभी दे देते हैं, चाय पियेंगे थोड़ा। मैं अपने लिए भी बना रही हूँ, तो जानते ही हैं कि लहसुन प्याज वाले बर्तन में नहीं हमारे यहाँ बनाया जाता है, तो अलग से बर्तन, ये जो बर्तन है आप लोग देख रहे हैं, रोज़ तो कढ़ाई देखते होंगे ना, या फिर और एक भगोने को देखते होंगे, लेकिन इस बार ये देख लीजिए, ये मेरे शादी का ही, इसका जो ये कढ़ाई है स्टील का, लेकिन इसका जो डट्ठल है, डट्टी जो क्या कहते हैं आप लोग, वो नहीं है, भुला गया है मतलब। तो अभी मैं चाय इसी में बना दे रही हूँ और इसी में कुछ भी भूनती रहती हूँ खाने वाली चीज़ मैं अपनी, और इसी में चाय बना दे रहे हैं। तो चाय को पहले मैं अपने गिलास में भर ली हूँ, उसे अलग कर दी हूँ, क्योंकि इधर उधर अच्छे से साफ सुथरा से खानी चाहिए इस नवरात्रा के टाइम, जो नवरात्रा किए हुए हैं। तो मैं अपना अलग कर ली हूँ और इन लोगों को भी चाय दे रही हूँ, क्योंकि सुबह से 4 बजे से ये लोग भी उठ जा रहे हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर हस्बैंड जी की भी पूजा हो जाती है 4 बजे ही, क्योंकि ये भी 4 बजे ही स्नान करने के बाद अपनी पूजा कर लेते हैं। तो अच्छा होता है कि सुबह पूजा कर लेने से बहुत ही मन में एक सुकून सा आता, सकारात्मक सोच आती है मन में, और जब हमारे अंदर एक नई ऊर्जा सा आने लगता है, जो कि हम नए काम भी बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और मन बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए सुबह, और लगता है कि विश्वास से हमें पूजा करनी चाहिए, विश्वास रहता है कि हाँ भगवान हैं और भगवान मेरे घर में हैं, उनकी श्रद्धा प्रेम से सेवा मुझे करनी है 9 दिनों तक, यही सोच के मैं हमेशा करती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी यहाँ पर दिवाली दशहरा की शॉपिंग हो रही है, तो फ्लिपकार्ट से ही शॉपिंग चल रही है, तो देख ले सकते हैं क्या ले रहा है ये सब। तो ये जूता तुम लेगा कि लेंगे? अभी सब शॉपिंग चल रही है, दिवाली की शॉपिंग चल रही है, दशहरा की शॉपिंग चल रही है, क्या? तो फ्रेंड्स अभी शॉपिंग हम लोग कर रहे हैं, शॉपिंग क्या अभी देख रहे हैं, चूज कर रहे हैं कि क्या क्या लेना है हमें। तो अभी ये दिवाली की शॉपिंग चल रही है, दशहरे की नहीं, क्योंकि दशहरे में अभी कपड़े किसी का भी नहीं मेरे घर में ले आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा खर्च हो गया इधर, तो हम लोग दिवाली की ही शॉपिंग किए जा रहे हैं। तो अभी फ्लिपकार्ट से ही सभी पसंद करके ऑर्डर करा रहे हैं, क्योंकि अभी फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे चल रहा है, तो वही शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ सस्ते में सारे कपड़े मिल जाते हैं। तो अभी स्कूल चल गया है बच्चा, चलिए अभी बंद कर देते हैं गेट, अब चलते हैं घर के अंदर। तो फ्रेंड्स अब खाना बच गया है बनाना बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए। तो अभी तो सुबह में फल सभी खा चुके हैं, तो चलते हैं अभी खाना आराम से बनाएंगे।
पता है सुबह सुबह फूल तोड़ने जाओ 3 बजे ना, तो फिर फूल पीले वाले मिलते नहीं, दिखती ही नहीं है, क्योंकि एकदम मुंदाया हुआ रहता है, एकदम छोटा छोटा के दिखाई नहीं, मतलब खिला ही नहीं रहता, इसलिए तोड़ती भी नहीं हूँ सुबह में, और अभी तोड़ के लेके जा रही हैं। तो चलिए वीडियो का एंड।